तारिक के शेरशाही में जिक्र है कि फरीद खान ने अपनी सौतेली माँ के कहने पे जागीरदारी छोड़ दी थी, पर भगवान किस्मत चमकाने के लिए कई मौके देता है। फरीद खान को भी एक ऐसा ही मौका मिला। एक समय में वे हिंदुस्तान के बादशाह बाबर की नजरों में काफी तेजी से चढ़े। ये एक बहादुर लड़ाका व काबिल सुल्तान थे। इतिहास गवाह है कि यदि किस्मत इनका थोड़ा सा और साथ देती तो हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और ही होता और ये साहसी योद्धा महान होते होते रह गए। नमस्कार, उजांग टाइम से मैं हूँ आपकी गाइड कुसुम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फरीद खान उर्फ शेरशाह सूरी की, जो कि अक्सर अपने पठान दोस्तों के बीच कहते थे, अगर किस्मत ने साथ दिया तो हिंदुस्तान के तख्त पर पठान ही बैठेगा, मैं मुगलों के इस मुल्क से बाहर निकाल दूंगा। मुगल पाठकों से जंग या कुश्ती में कमतर हैं, इन्हें हराना आसान है, बस पठान एक हो जाए तो बाकी सब काम मैं कर दूंगा। ये शब्द थे शेरशाह सूरी के। चलिए जानते हैं कैसे फरीद खान शेरशाह बन गए। भारतीय इतिहासकार ये साहसी योद्धा शेरशाह सूरी के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। किन्हीं के मुताबिक ये कहना माना जाता है कि इनका जन्म साल 1485 से 86 में हरियाणा के हिसार में हुआ था, तो कई इतिहासकार मानते हैं कि ये 1472 में बिहार के सासाराम जिले में हुए थे। इतिहासकारों के अनुसार शेरशाह का ताल्लुक अफगानों की सूर जाति से था। उसके दादा इब्राहिम सूर 1542 में भारत आए थे, जिनके बेटे और शेरशाह के पिता हसन सूर ने बिहार के सासाराम में एक छोटी सी जागीरदारी हासिल कर ली थी, वहीं फरीद खान का जन्म हुआ था। कहते हैं परिवार में लड़ाई होने के कारण उन्होंने जागीरदारी छोड़कर जौनपुर के मनसबदार की यहाँ पे नौकरी करने लगे थे। कुछ समय पश्चात बिहार के मनसबदार बहार खान की सेना में ये शामिल हो गए थे। एक बड़ी अच्छी सी कहानी इनके बारे में प्रचलित है। इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार बहार खान ने शेरशाह सूरी को शेर का शिकार करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने अदम्य साहस और पराक्रम से शेर के जबड़े के दो हिस्से कर दिए और उसे मार गिराया। बस फिर क्या था, इनकी वीरता से बहार खान बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने खुश होकर उसे शेर खान की उपाधि प्रदान की। वहीं आगे चलकर वह शेरशाह सूरी के नाम से प्रख्यात हुए और यहीं से उनकी शुरू होती है फरीद खान से शेरशाह की कहानी। और शेरशाह की वीरता के चर्चे हर तरफ होने लगे तथा उनकी ख्याति भी चारों तरफ बढ़ने लगी। बहार खान की मृत्यु के बाद शेरशाह उनके नाबालिग राजकुमार के संरक्षक तथा बाद में बिहार के राज्यपाल बन गए। चलिए अब बात करते हैं शेरशाह सूरी के शासनकाल में उनके विकास व उनके महत्वपूर्ण कामों के बारे में। शेरशाह सूरी जनता की भलाई के बारे में सोचने वाले एक लोकप्रिय व न्यायप्रिय शासक थे, जिसने अपने शासनकाल में जनता के हित के लिए कई भलाई के काम किए थे। उनके सबसे प्रमुख कार्यों में आता है मुद्रा का प्रचलन। वही रुपया आज भारत समेत कई देशों की करेंसी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे कार्य में उनका प्रमुख था पोस्टल विभाग। शेरशाह सूरी एक दूरदर्शी व कुशल प्रशासक थे, जो कि विकास के कार्यों को करना अपना कर्तव्य समझते थे। यही वजह थी कि सूरी ने अपने शासनकाल में एक बेहद विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। प्राचीन काल में इसे उत्तरापथ भी कहा जाता है। जहाँ शेरशाह एक कुशल प्रशासक दूरदर्शी थे, वहीं वे एक न्यायप्रिय व ईमानदार शासक भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मस्जिद के मौलवियों व इमामों के द्वारा इस्लाम धर्म के नाम पे किए जा रहे भ्रष्टाचार पे न सिर्फ लगाम लगाई, बल्कि उन्होंने मस्जिद के रखरखाव के लिए मौलवियों को पैसा देना भी बंद कर दिया एवं मस्जिदों की देखभाल के लिए मुंशियों की नियुक्ति की। इतिहासकार बताते हैं कि शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 47 अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया था, जिसे सरकार नाम से पुकारा जाता था। वही ये सरकार बाद में छोटे छोटे जिलों में तब्दील हो गए, जिसे परगना कहा गया। शेरशाह की बढ़ती ताकत, विकास कार्यों, उपलब्धियों को देखकर आखिरकार मुगलों व अफगान सेनाओं के बीच 1549 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह की जीत हुई और उसे अपने साम्राज्य को असम की पहाड़ियों से लेकर कन्नौज तक उसने बढ़ा दिया। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए सूरी जब 22 मई 1545 को चंगेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तब वहां उक्का नामक आग्नेयास्त्र से उनके गोले के फटने से उनकी मौत हो गई थी। इतिहासकार बताते हैं कि शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का काम शुरू करवा दिया था। उनका गृह नगर सासाराम स्थित मकबरा एक कृत्रिम झीलों से घिरा हुआ है। यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का बेजोड़ नमूना है, जिसे उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार और मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके अतिरिक्त इस मकबरे की भव्य सुंदरता के कारण ही इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। तो ये थे महान कुशल प्रशासक, न्यायकर्ता, साहित्य प्रेमी, दूरदर्शी, ईमानदार, दयालु शेरशाह सूरी। जुड़े रहिएगा उजांग टाइम्स के साथ में, जहां हर रोज आपको इतिहास के पन्नों की जानकारी साझा की जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।